आज मुंबई में कुछ सेलिब्रिटीज प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे हैं सीए के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो सेलिब्रिटीज ने तो उनका कोई आज का रिकॉर्ड नहीं है। पहली चीज तो सेलिब्रिटीज आप किनको कहते हैं? ये जो नाचने गाने का काम करते हैं, कल परसों की बात है, एक वीडियो आया था फरहान अख्तर का। फरहान अख्तर से पूछा गया कि भैया सीए क्या है, आप प्रोटेस्ट करने क्यों आए हो? बोला कि अगर आपको समझ नहीं आए तो आप अपने घर चले जाओ। वो आपने एक छोटे से बच्चे का भी देखा होगा कि आप यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए क्यों आए हो, बोला तानाशाही बंद करो तानाशाही। ये बच्चों वाले काम करने वाले लोग जिनको सीएए का फुल फॉर्म ढंग से नहीं पता है, उनको नहीं पता है कि डॉक्यूमेंट कब से कब तक के मांगे जा रहे हैं, उनको नहीं पता है कि यहाँ से किसी को निकाला नहीं बल्कि यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। वो सेलिब्रिटीज़ जो लोग 10वीं 8वीं पास हैं, वो बेचारे लोग जिन्होंने कभी अपने एक जिहादी अंडे से निकल के बाहर देखा नहीं है, उन बच्चों के तो मुझे बल्कि दिमागी हालत के ऊपर दया आती है। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, वो भी एक वन मैन है, एक ही एंटिटी है, हमारे यहाँ भी हर बंदा एक एक एंटिटी है, ठीक है। वो लोग क्योंकि सिल्वर स्क्रीन पर आए हैं इसलिए हम सोचते हैं कि वो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर उनका बौद्धिक स्तर देखा जाए, अगर उनका आईक्यू लेवल देखा जाए, तो हमारे यहाँ खड़े हुए बच्चों से भी काफ़ी कम है। उन लोगों को बचपन से, क्योंकि वो ऐसी फैमिलीज से आते हैं, उन लोगों को सिर्फ वो जो एक दिखावटी जीवन जीने की पहले से ही सिखाया जाता है, एक दिखावटी जीवन, वो जो प्रोटेस्ट है वो भी एक दिखावटी है। आप उसकी तह में जाएं, सच्चाई को पूछें और जानें। और मैं तो आप लोगों से, खासतौर पे मीडिया वालों से अपील करना चाहूँगा, आप लोगों ने उन लोगों की जिस तरीके से पोल खोली है और रियलिटी बताई है, आप लोग खुद इस बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने आज देश के सामने एक साफ और स्पष्ट तस्वीर रखी है, आप लोग बधाई के पात्र हैं। सर जब मुस्लिम्स की बात आती है तभी ये सेलिब्रिटीज निकल के आते हैं, जैसे कि जब मॉब लिंचिंग की बात होती है तो कहते हैं कि बस मुस्लिम्स के साथ मॉब लिंचिंग होती है, और अभी भी मुस्लिम्स डरे हुए हैं तो उन्होंने लेटर भी लिखा और प्रोटेस्ट करने के लिए भी बाहर आते हैं। देखिए एक मिनट, जो डरा हुआ इंसान होता है वो अपने घरों में दुबक कर बैठता है। आज हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने से मना कर रहे हैं क्योंकि वो स्कूल की बसों पर पथराव देख रहे हैं, हमारे लोग ऑफिस जाने से डरे हुए हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, एग्जाम जो है वो पीछे हटा दिए गए हैं। प्रोटेस्ट अभी बीएचयू में हुआ था, कितने लोग निकले, अभी कितनी हिंदू बच्चियों का इतना जो है बहुत निर्ममता के साथ में रेप भी किया गया और फिर उसको जलाया भी गया, कितने प्रोटेस्ट हुए, कितने अवार्ड वापसी हुई। मुसलमानों की वजह, रीज़न ये है। आप अगर बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, बॉलीवुड जो है वो पूरी तरीके से एक जिहादी गैंगस्टर जो बहुत समय पहले हिंदुस्तान से भागा था, उसने, जिसने पाकिस्तान में शरण ली हुई है, सब लोग जानते हैं, उसी के आधार पर, दाऊद की मैं बात कर रहा हूँ, बॉलीवुड चलता है, वहाँ पर उन्हीं लोगों की चलती है। और ये जो प्रोटेस्टर्स निकले हुए हैं ना, इन सब की कनपट्टी पे एक एक पिस्टल रखी हुई है, वो हम और आप नहीं देख पाते हैं, वो जो उनके ड्रेसिंग रूम में रखी जाती है। क्या आपने प्रोटेस्ट पर निकलना है? जान सबकी एक समान है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, कोई भी हो, लेकिन इस तरीके का दोगला रवैया। और सबसे बड़ी बात, मैं इन प्रोटेस्टर्स का, इन बॉलीवुड वालों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, कि इन लोगों ने अपनी जो डबल स्टैंडर्ड है, वो जो औकात है, वो दिखाई। बिकॉज हम लोग 2 साल से, मैं स्वयं रोड पर निकल करके लोगों को बता रहा हूँ, सब लोगों को अपने अलग अलग माध्यमों से बता रहा हूँ कि ये डबल स्टैंडर्ड में है, दोगला जीवन जीते हैं। आज उन्होंने सब लोगों को अपने जो एक्टिविटीज हैं उनसे बता दिया है कि हम दोगले हैं, हम सिलेक्टिव हैं, हम सभी के लिए नहीं सोचते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक मजहब के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हम उससे डरे हुए हैं, क्योंकि वो हमारी फंडिंग रोक सकता है, वो हमारा प्रोडक्शन हाउस बंद कर सकता है, वो हमारी सुपारी लेकर के गोली मार सकता है। आपने गुलशन कुमार जी को देखा, वो जिस टाइम पर हिंदुओं के लिए खड़े हुए, पहले सुपारी दी गई उनको, पहले कहा गया कि आप बैठ जाइए, वो नहीं बैठे तो उनको गोली मरवा दी गई। तो यह जो चीज़ें हैं, डबल स्टैंडर्ड, ये उन लोगों ने स्वयं से दिखाया है। जान सबकी बराबर है। मैं एक बार फिर से अपने देश के मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, जब भी कभी ऐसे जिहाद की बात आती है तो मुसलमान एक आयत सबको सुनाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति की यदि हमने जान बचाई तो 1000 लोगों की जान बचाई, एक व्यक्ति के चेहरे पर यदि स्माइल आई तो 1000 लोगों के चेहरे पर स्माइल आई। हज जाने से पहले 10 नियम हैं, आपको पता होने चाहिए। यदि आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति बीमार है, उसके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, तो उसका पहले घर में पैसा दो,
उसके घर में खुशहाली लाओ, वो पड़ोसी जो है आपका, आप वो नियम बताते हैं। और यहाँ जो हमारे दलित भाई बाहर तीन देशों से अंदर आ रहे हैं, उनकी आपसे खुशी महसूस जो है बर्दाश्त नहीं हो रही है। वहाँ रहने वाले मुसलमानों को आप क्यों बुलाना चाहते हैं, कारण क्या है, वो कारण स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड आप लोगों के माध्यम से जो आज जनता के सामने आया है, और ये जो हजारों हजारों लाखों लोग जो सड़कों पर निकले हैं, ये आप लोगों की वजह से हुआ है। आप लोगों से मैं चाहूँगा आगे भी इस डबल स्टैंडर्ड को हमेशा एक्सपोज करते रहें। इसी तरीके से इस पूरे देश में जो चौथा स्तंभ आप लोगों को कहा गया है, उसकी भूमिका इसी तरीके से सत्य और निष्ठा के साथ में अदा करते रहें। सर, CAA एक्ट में मेंशन है कि इंडियन मुस्लिम्स को कोई खतरा नहीं है, लेकिन तब भी हमारे देश के मुस्लिम भाई बहनों को डर है। और जैसा कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमंतुल्ला खान, उन्होंने लोगों को तो भड़का दिया, खुद घर में बैठे हैं, बसों में आग लगाई जा रही है, पुलिस चौकी जला दी, आप क्या कहना चाहेंगे? कहना तो क्या चाहेंगे, उनका फ्यूचर तो यही है कि वो चाहते हैं ये भी इस्लामिक स्टेट बन जाए, इस्लामिक कंट्री बन जाए, इसीलिए भड़का रहे हैं। ये बात तो सोनिया गांधी जी ने भी बोली है, राहुल गांधी जी ने बोली, आज नहीं निकले तो फ्यूचर के कायर कहलाओगे। हमें मिलके लड़ना होगा, और केजरीवाल इलेक्शन आ रहे इसलिए बोल रहे हैं मुस्लिमों की वोट चाहिए उनको, अपनी वोट बैंकिंग के लिए, बस वोट बैंकिंग के लिए करें। उन्होंने पहले इलेक्शन में भी बोला था कि केजरीवाल ने बोला था कि मेरा फंडिंग हुआ जो इलेक्शन है वो अरब से हुआ। सर, उन्होंने आरोप तो डाल दिया दिल्ली पुलिस पर कि दंगे करा रही है, लेकिन उन छात्रों उन लोगों को कुछ नहीं कहा जो बसों में आग लगा रहे हैं, पुलिस चौकी पर आग लगा रहे हैं। आपको भी पता होगा जाफराबाद में 14 पुलिस वाले घायल है, उनके लिए कुछ नहीं कहा। वो टोटल ऑफ एक आतंकवादी संगठनों से रिलेशन रखते हैं, वो मतलब फॉलो करते हैं हर आतंकवादी को, इसीलिए बस काम भी कर क्या कर सकते हैं, ब्लास्टी कर सकते हैं। और पुलिस के ऊपर जो ब्लेम्ड कर रहे हैं, पुलिस खाम का किसी को कुछ भी नहीं कहती, वो दंगा करते हैं, स्कूल बसों पे पथराव करते हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। हम विश्वास करते हैं पुलिस पे, आर्मी पे और अपने देश के प्रशासन पे, नहीं तो हम भी वो काम कर सकते हैं। मैं इस विषय में एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, पुलिस के ऊपर पथराव कौन कर सकता है, आर्मी के ऊपर पथराव कौन कर सकता है, जिसके घर से पुलिस में नहीं है ना आर्मी में है। हमारे घर से पुलिस में है, आर्मी में है, हमें दर्द होता है। पुलिस से उनकी कोई सीधी दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी काफिरों से है, काफिरों के बीच में आती है, उनके और काफिरों के बीच में आती है पुलिस, आर्मी, इसलिए आर्मी और पुलिस उनकी दुश्मन बनी हुई है। देश का जो संवैधानिक ढांचा है उसको नष्ट करने का प्रयास है, शरिया को लागू करने का प्रयास है, जिसको कि यह संविधान और इस संविधान के रक्षक कभी भी होने नहीं देंगे। जो आपने बात की है CAA की और NRC की, इसके विषय में आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही पता लगा है। 2003 में मनमोहन सिंह इसके पक्ष में थे, ममता बनर्जी इसके पक्ष में थी, 1947 में नेहरू और गांधी इसके पक्ष में थे, देश के बड़े बड़े नेता इसके पक्ष में थे। आज सिर्फ विरोध इसलिए है क्योंकि यही शब्द उस समय पर भी प्रयोग हुए थे, गैर मुसलमानों को सबको यहाँ पर बुलाया जाए। आज विरोध सिर्फ इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों का धंधा बन गया है कि अगर कोई काम मोदी जी ने कहा है तो उसका विरोध करना है। सर, अभी आपने ममता बनर्जी की बात की, जो बंगाल की दीदी हैं, उन्होंने शायद उस टाइम इसका विरोध ना किया हो, लेकिन आज वो विरोध में खड़ी और उन्होंने कहा है कि कैब मेरे लाश पे से उतरे, मतलब जाएगी, मैं बंगाल में कैब नहीं लाने दूंगी। देखो, वो दीदी थी तब जब 2003-2004 था, अब वो बगदीदी बन चुकी हैं, और बगदीदी हैं तो वही कार्य करेंगी जो उनके एजेंडा पर खरा उतरेगा। ठीक, अब वो इस देश में हरा कारपेट, ग्रीन कारपेट बिछाना चाहती हैं। अब उसमें एक तुष्टिकरण की राजनीति आती है, उनका वोट बैंक खत्म होता है, उन घुसपैठियों को बाहर खदेड़ा जाएगा जिनके उन्होंने वोटर आईडी कार्ड बनवाए हैं, और उन लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा जो इस जमीन के असली हकदार थे। इस वजह से आप बगदीदी के विषय में तो सोचे ही नहीं, बगदीदी का अब भारत से नहीं, सिर्फ पश्चिम बंगाल से नहीं, पूरे भारतवर्ष से इन लोगों का अस्तित्व खत्म होने वाला है। रीजन के ये जो बंटवारा है वो धर्म के आधार पर हुआ था, और धर्म के आधार पर जब हुआ उसके बाद में भी आप अगर जोगेंद्रनाथ मंडल, जिसको कि लॉ मिनिस्टर बनाया गया था, उनकी मौत हुई भारतवर्ष में आकर के, वो भाग करके आया था यहाँ पर, लेकिन इतना बड़ा गद्दार कि अपने लोगों को वहाँ फंसाया और यहाँ खुद आ गया, वो जो लोग वहाँ पर फंसे हुए थे उन लोगों को आज न्याय मिल रहा है। आप लोगों को तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन मैं एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा कि बगदादी के चेले और बगदीदी के जितने भी भतीजे हैं
वो सब लोग इस बात को समझ जाएं। अब यहाँ का जो नागरिक है, मूल निवासी है, जो हकदार है, जो आर्यवर्त के जो नागरिक हैं, वो इस बात को जान चुके हैं, समझ चुके हैं, भारतवर्ष को बंटने नहीं देंगे, इसको हम ग्रीन कारपेट यहाँ पर बिछने नहीं देंगे।